नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो रेलवे टेक्नीशियन में 9144 पोस्ट पर फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आपको कौन से आरआरबी में फॉर्म फिलअप करते हैं तो सेव हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हम आपको समझा देते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो और आरआरबी जो 5 डेंजर आरआरबी बन गया है उससे आप बच सकते हैं, और 7 ऐसे आरआरबी है जिनका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर वहां पर फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आप इस बार 2024 के रेलवे टेक्नीशियन में सबसे सेफ आरआरबी में रहिएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अंत तक समझिएगा, वीडियो को बिना भगाए स्किप किए अंत तक स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, उसके बाद जिस तरह से बता रहे हैं यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आप उस तरह से फॉलो करके फॉर्म फिलअप कीजिए। इस बार सबसे सेफ आरआरबी में आप फॉर्म फिलअप होगा आपका, और वहां पर सबसे कम कटऑफ भी जाएगा। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द रेलवे टेक्नीशियन का जनरल साइंस जो आपका 40 अंक का पूछा जाता है उसका टॉपिक वाइज क्लास भी चालू करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, एक चीज अच्छे से पहले एग्जाम्पल के रूप में समझिए। क्या चीज? एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर 10 सीट है, कितना 10 सीट है, और यहाँ पर 10 सीटों के लिए 100 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, यानी कि एक सीट, देखिए एक सीट पर यहाँ पर कितने लोग हुए, 10 लोग हुए। ठीक, देखिए यहाँ पर 10 सीट पर 100 लोग, तो एक सीट पर 10 लोग फाइट कर रहे हैं। सपोज डेट यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा भर्ती है 50 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर 50 पोस्ट के लिए 1000 लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक सीट के लिए आपको 20 लोग से फाइट कर रहे हैं, यानी कि डबल हो जाए। लेकिन यही सबको समझ में नहीं आ रहा है, भले ही यहाँ पर कम सीट है, 10 सीट है, तो 10 सीट है तो मात्र 100 लोग ही फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको एक सीट पर 10 व्यक्ति से फाइट करना है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 50 सीट है लेकिन 1000 लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो एक सीट पर आपको 20 लोगों से फाइट कर रहा है। इस तरह से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, भीड़ से बचना है तो माइंड लगाइए, वीडियो को अंत तक देखिए, हम समझा रहे हैं वैसे फॉर्म फिलअप कीजिए, आप इस बार सबसे सेफ आरआरबी में रहिएगा। चलिए अब हम आपको एक एक करके हर आरआरबी का, देखिए मेरे पास डाटा है, पूरे डाटा लेकर आए हैं, इसको फॉलो किए हैं तब आपको बताने चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि जो 5 डेंजर आरआरबी बन चुके हैं, आखिर वो 5 डेंजर आरआरबी इस बार के कौन हैं जहां से आपको बचना चाहिए, एक एक करके देख लीजिए। फर्स्ट में नाम आएगा जिसका नाम है मुंबई। देखिए मुंबई में क्यों डेंजर आरआरबी बन गया, मुंबई में आपका 1284 पोस्ट है, 1284 पोस्ट देखकर यहाँ पर लगभग 30% से प्लस लोग ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। देख रहे हैं कि 1284, देखिए इसी एग्जाम्पल पर सब लोग जा रहे हैं कि यहाँ 50 सीट है फॉर्म भरो, ज़्यादा भर्ती है, उसी तरह से यहाँ 1284 है, तो अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस कारण से आपका आरआरबी मुंबई इस बार का सबसे हाईलाइटेड आरआरबी हो चुका है, और यहाँ देखिएगा जब फाइनल मेरिट आएगा तो सबसे ज़्यादा कटऑफ इसी आरआरबी में रहेगा। दूसरा आपका नाम है बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर में देखिएगा तो 861 पोस्टों पर भर्ती है, कितना 861, और यहाँ पर भी दम धड़ल्ले से 25 से 28% लोगों ने फॉर्म दम हाई स्पीड में भर रहा है, क्योंकि देख रहा है कि यहाँ पर 861 पोस्ट है, इसलिए ये 2 आरआरबी हो गया जो इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है। हम आपको 5 से 7 सेफ आरआरबी भी बताने वाले हैं। तीसरा आरआरबी का जो आपका नाम है, जिसका नाम है आपका आरआरबी सिकंदराबाद। देखिए सिकंदराबाद में आपका 744 पोस्ट है, और यहाँ पर भी 744 पोस्टों के लिए दम सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, यहाँ पर भी आपको नहीं भरना है। चौथा आरआरबी आपका अहमदाबाद है, यहाँ 761 पोस्ट है, यहाँ पर भी फॉर्म फिलअप आपको नहीं करना है। ये 4 आरआरबी हो गया। 5 आरआरबी जो है, 5वां आरआरबी आपका चेन्नई है, यहाँ पर देखिए 833 पोस्ट है, और 833 पोस्टों के लिए यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसलिए इन 5 आरआरबी से आपको बचकर फॉर्म फिलअप करना है। तो आखिर आपको
पाँच सात कौन से ऐसे आरआरबी है जहां आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिए इसी एग्जांपल पर हम इसको सेट किए हैं तब आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डाटा लिख देते हैं कहां पर कितना भर्ती है तब समझाते हैं। और पीसीएम वाले साथी पटना, गोरखपुर और सिलीगुड़ी तीन आरआरबी में फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, एक भी भर्ती वहाँ पर नहीं है। साथ में दूसरा काम, आप भर्ती के लिए आप ट्रेड वाइज अपना भर्ती देखिएगा तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देखिए अजमेर में 522 पोस्टों पर भर्ती है, ठीक। उसके बाद बेंगलोर में 142 पोस्टों पर भर्ती है, वही देखिएगा भोपाल में तो 452 पोस्टों पर भर्ती है, चंडीगढ़ में देखिएगा तो 111 पोस्टों पर भर्ती है, उसके बाद देखिए गोरखपुर में 205 पोस्टों पर भर्ती है, गुवाहाटी में 624 पोस्टों पर भर्ती है, जम्मू में आपका 291 जम्मू में देखिएगा तो 291 पोस्टों पर भर्ती है, ठीक। उसी तरह से आप कोलकाता देखिएगा तो 506 पोस्टों पर भर्ती है, मालदा में 275 पोस्टों पर भर्ती है, वही मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो 113 पोस्टों पर भर्ती है, पटना में 221 पोस्टों पर भर्ती है, प्रयागराज में 338 पोस्ट पर भर्ती है, वही रांची में देखिएगा तो 350। हम आपको 5 से 7 से भरारवी बताने जा रहे हैं इसलिए अंत तक हर हाल में देखना है। उसके बाद सिलीगुड़ी में देखिएगा तो 83 पोस्टों पर भर्ती है, तिरुवनंतपुरम में देखिएगा तो 278 पोस्टों पर भर्ती है। अब आप देखिए वो 5 से 7 कौन ऐसे आरआरबी है जो आपके लिए सेफ होंगे। देखिए 12 पीसीएम वाले, ये पटना हो गया, कौन 12 पीसीएम वाले, तीन आरआरबी मत डालिएगा, सिलीगुड़ी 12 वाले, 12 वालों के लिख लीजिए, पटना 12, ठीक। उसके बाद गोरखपुर, ये तीन आरआरबी में 12 वालों के लिए 0 सीट है, कितना सीट है 0 सीट है, इसलिए यहाँ पर तो जो 12 पीसीएम पर केवल भर रहे हैं वहाँ पर फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। अब हम आपको 5 आरआरबी बता रहे हैं, वहाँ इत्मीनान से ये मत सोचिए कि भर्ती वहाँ कम है। हम आपको यहाँ बताएं ना कि अगर 10 सीट है तो 100 लोग भरे हैं तो एक सीट पर 10 लोग आ रहे हैं, यहाँ 50 सीट भले ही है लेकिन यहाँ अगर 1000 लोग भर दिए तो एक सीट पर 20 लोग से आपको फाइट करना होगा। फर्स्ट में हम आपको जो सजेस्ट करेंगे इस बार के लिए सबसे सेफ आरआरबी मेरे अनुसार जाने वाला है, जिसका नाम है एक नंबर पर हम रखेंगे तिरुवनंतपुरम। आज तक के डाटा के अनुसार तिरुवनंतपुरम आप सभी के लिए सबसे सेव होने जा रहा है। दो नंबर पर जिसको रखेंगे जिसका नाम है मालदा, क्योंकि अधिकतर बच्चे कोलकाता की तरफ मूव कर जा रहे हैं, मालदा भी आपके लिए इस बार सबसे सेफ आरआरबी में जाने जा रहा है। अगर आप मालदा में फॉर्म फिलअप करते हैं तो समझिए आप इस बार सेव रहिएगा। तीन नंबर पर जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप गुवाहाटी रखिए, गुवाहाटी में फॉर्म गिरा है लेकिन घबराने की बात नहीं है, 624 पोस्ट है, सबसे हाईलाइट आरआरबी नहीं हुआ है इसलिए गुवाहाटी में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चार नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो भोपाल को रखे हैं, क्योंकि भोपाल में भी फॉर्म फिलअप कम हुआ है, उसके तुलना बिलासपुर में ज़्यादा हो रहा है। और पांचवा जो आपको आरआरबी हम आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है, भले मॉडरेट आरआरबी है लेकिन यहाँ पर भी कर सकते हैं, प्रयागराज, यहाँ पर भी कोई खास फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। इन 5 आरआरबी में आप फॉर्म फिलअप अगर अभी भी आप कर देते हैं तो सेफ रहिएगा, लेकिन आप अपने ट्रेड वाइज भर्ती को भी हर हाल में ज़रूर देख लीजिएगा तभी कोशिश कीजिएगा फॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि ये डाटा जो आपको बताएं इसी एग्जांपल को समझकर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इस बार सबसे सेफ रहिएगा। और किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछिए। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।